गुड मॉर्निंग टू ऑल क्लास क्लास एज यू होते हैं कि वी आर जस्ट डिस्कसिंग आवर चैप्टर दैट इज द चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ना. एंड सरफेस एरिया इन द सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम वी हैव डन टू एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.2 वी हैव डन. नाउ टुडे वी विल डिस्कस 13.3 एक्सरसाइज एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.3 ये तो हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके जो होता है क्वेश्चन जो भी है वो सॉर्ट आउट करेंगे. ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एज यू नो दैट. हमने पहले भी बोल रखा है, आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इससे आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन डन है ना, 4 और 4 8 नंबर का कम से कम है ना. अगर 8 नंबर आपको रखना है अपने हाथ में तो आप जो होता है ये चैप्टर को पूरा पूरी तरह से एक बार दोबारा है ना कर ले है ना. जिसे नहीं समझ में आ रहा है वो फिर से पूछ ले. ठीक है ना, जिसको जो भी जिस तरह का भी प्रॉब्लम है. तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट is saying that is the a metallic sphere of a radius 4.2 cm है ना. देखो 4.2 cm एक कोई भी metallic sphere है ना, sphere उसकी radius कितनी दे रखी है 4.2 cm है क्लास है ना. इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इन टू द शेप ऑफ द सिलेंडर. और उसको किस में रिकास्ट किया गया है, शेप ऑफ सिलेंडर में, सिलेंडर में कन्वर्ट किया गया है. ठीक है ना, रिकास्ट इन टू सिलेंडर है ना. और इसकी रेडियस जो है सिलेंडर की रेडियस को मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं. ठीक है, दैट इज द 6 cm इज गिवन. ठीक है ना, 6 cm इज गिवन. फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. तो देखो फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर. अच्छा एक बार बताओ, जब इसको स्फीयर से सिलेंडर में कन्वर्ट किया जाएगा तो ऐसा कौन सा चीज होगा जो कि चेंज नहीं होगा. आपके पास ऑप्शन यही है, वॉल्यूम और एरिया. वॉल्यूम क्या नहीं चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. सो क्लास वी विल, अब इसमें ये नहीं कहा, देखो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ माइंड देखने का कोशिश करा है कि बच्चे को वॉल्यूम की समझ है या नहीं और सरफेस एरिया की समझ है या नहीं. तो क्लास इसमें ये नहीं कहा कि क्या चीज, अब दोनों को कंपेयर, हाउ यू कैन कंपेयर. तो वी विल कंपेयर विथ वॉल्यूम. हम लोग किससे कंपेयर करेंगे, वॉल्यूम से. सो क्लास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर. ठीक है ना, तो वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr² मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और ये एच. देखो क्लास अब यहां पे आसान करने के लिए पाई से पाई तो कैंसिल हो गया है ना, 4/3 आर क्यू कितना है 4.2 का होल क्यू और ये आर कितना है 6 का स्क्वायर और हाइट हमें पता नहीं. क्या नहीं पता, हाइट हमें फाइंड करना है हाइट. सो क्लास व्हाट यू विल डू, ये जो 6 है इधर लेके आ जाओ है ना, तो 4 × 4.2 × 4.2 × 4.2 है ना अपॉन, इसको 3 बार मैंने लिख दिया, कुछ नहीं करा, बस केवल 3 टाइम्स लिखा है ना क्लास. अब यहाँ पे क्या है, ये 3 एज इट इज, जो 3 था उसको तो मैं लिखा हूं एज इट इज. आफ्टर दैट ये जो 6 था इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा. सो लेट अस वी विल डू है ना, नाउ दिस इज द एच. इसको जो सिंपलीफाई करके आएगा वो हमारा क्या होगा, एच होगा है ना. डू इट फर्स्ट
करो इसको जल्दी से फटाफट। पॉइंट हटाने के लिए 10-10 करोगे, अब ये देखो ये कितना हो गया 56। अच्छा ये और कट रहा है तो फाड़ ही देता हूं, 56 इंटू 49 अपॉन कितना हो गया 1000, और इन दोनों को जो होता है मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आया मल्टीप्लाई कर करके 2744 upon 1000 इक्वल टू लेस, देखो कितना होगा 2.74 है ना, ये सीएल दैट इज द हाइट, ये हमारा हाइट आ गया, क्लियर है। यही निकालने के लिए हमें जो होता है बोल रहा था इसमें, सो वी हैव फाइंड इट, क्लियर है। Now, next question is saying that recruit बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, कल से जो मैट्रिक चलेगा, कल से जो कंस्ट्रक्शन का आपका एक चैप्टर है वो हम लोग करेंगे, सो Tomorrow you will keep geometry box in your bag, है ना? Sorry, today. ताकि कल आते समय भूल ना जाए। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड का रहा है क्लास। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग दैट कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियाई 6 cm, 8 cm, 10 cm। देखो 3 रेडियाई, R1 6 cm, R2 8 cm और R3 10 cm, तीन रेडियस वाले स्फीयर है ना, दीज ऑल आर स्फीयर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर, और किसमें बनाया गया है सिंगल सॉलिड स्फीयर में, है ना, कितना में सिंगल सॉलिड स्फीयर। तो आप जो होता है इसका फाइंड आउट करोगे कि फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, जो बड़ा वाला स्फीयर है, ठीक है ना। तो देखो सारे जो होता है स्फीयर है ना, तो क्या लिखू पाई R1 4/3 सबका इक्वल क्या होगा वॉल्यूम, है ना, तो 4/3 पाई R3 प्लस 4/3 पाई पाई R2³ प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब इक्वल टू 4/3 पाई R कैपिटल R कर देता हूं ना प्लस, है ना क्यूब, ये हो गया, ठीक है ना। देखो पहला काम, अब इसमें सिंगल सिंगल करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाए, यहां पे क्या करते हैं ये तीनों में 4/3 पाई R 4/3 पाई R है, कॉमन 4/3 पाई R, ठीक है ना, जल्दी करके दिखाओ फटाफट। R3 ऑल क्यूब और ये कितना हो गया 4/3 पाई R क्यूब, देखो पाई R ये और ये क्या हो गया
कैंसिल है ना, क्लियर है। यहां पे अब ये कितना बच गया बताओ, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब इक्वल टू R क्यूब। अब यहां पे वैल्यू रख दो, देखो पहले भी वैल्यू रख सकते थे है ना, बट जो होता है कैलकुलेशन लंबी पड़ जाती है ना। और एक बात और यहां समझने की बात है कि देखो किसी भी कितना भी स्फीयर हो, कितना भी स्फीयर आपके पास ऐड करने के लिए दे दिया जाए और उससे बड़ी स्फीयर अगर बनाना होगा तो केवल और केवल रेडियस का क्यूब करना होगा, सबका रेडियस के क्यूब का सम फाइंड आउट कर लीजिए। दैट इज ये कितना हो गया 6 का होल क्यूब, 8 का होल क्यूब है ना, और 10 का होल क्यूब, दैट इज द आर क्यूब। ये कितना हो गया 216512 प्लस है ना 1000 इक्वल टू आर क्यूब। अब ये हो जाएगा ऐड कर करके 1728 आर क्यूब। और जब आप इसका क्यूब, ये 1728 किसका क्यूब है पता है आपको, हाँ 12 का, ये आर क्यूब है। देखो पावर सेम है तो बेस क्या होगा इक्वल होगा, तो ये 12 सीएम आंसर हो जाएगा क्लास। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो कह रहा है क्लास, क्वेश्चन नंबर थर्ड ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज सेइंग दैट अ 20 मीटर डीप वेल विद द डायमीटर 7 मीटर, कितना है 20 मीटर डीप वेल, एक कुआं बनाया गया है ना, इसकी कितनी है 20 मीटर डीप है, यानी कि इसकी हाइट कितनी है 20 मीटर। हाँ ना, देखो समझता ये 20 मीटर ठीक है ना, 20 मीटर डीप एंड 7 मीटर डायमीटर, और इसका जो डी है डी इक्वल टू 7 मीटर ठीक है ना। वेल वेल डायमीटर इज 7 सी है ना, एंड हाइट इज कितना है हाइट इसकी 20 मीटर है ना, 20 मीटर, ये 20 मीटर इसकी क्या होगी हाइट। अब कहता है कि इज डग है ना, खोदा जाता है, एंड द अर्थ फ्रॉम द डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म 22x14 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द, देखो अ प्लेटफॉर्म जो होता है ना, प्लेटफॉर्म कैसा है, प्लेटफॉर्म कैसा है 22 मीटर, ये 7 मीटर है जी सीएम नहीं, यहां भी मीटर है ना, 22 मीटर इंटू 14 मीटर ये है। फाइंड द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म देखो प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है ना क्लास, वो क्यूबिकल है ना, वो कैसा है क्यूबिकल है ना, क्यूब की तरह बनाया गया। अब ये क्यूब की है तो इसकी जो होता है ये लेंथ जो है 22 मीटर और ब्रेथ कितना है 14 मीटर ठीक है। अब देखो जितनी मिट्टी इससे निकाली है वो सबको इसी पे स्प्रेड किया गया है ना क्यूब के रूप में। प्लीज डोंट राइट, लुक फ्रंट, जो समझा रहा हूं वो समझने का कोशिश करो उसके बाद में, ऐसे तो रट करके सारे क्वेश्चंस कर लोगे तुम ठीक है ना। तो यहां पे जो होता है क्यूबिकल प्लेटफॉर्म बनाया गया है ना, तो देखो ये जो होता है इतने मोटा है ना, सपोज करो अब कितनी हाइट है वी डोंट नो, बट इससे जितनी मिट्टी निकाली जाएगी है ना और यहां पर जो फैलाया जाएगा
है ना, स्प्रेड आउट होगा, वो उतना ही मिट्टी होगा जितनी इसकी वॉल्यूम। यहां से मिट्टी कितनी निकाली गई, जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगा, जो सिलेंडर का जितनी वॉल्यूम है उतनी ही मिट्टी निकाली गई और उतनी ही मिट्टी इस पे स्प्रेड किया गया। तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म, वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब देखो प्लेटफॉर्म का जो होता है 22 इंटू, ये क्या है, एल इंटू बी इंटू एच, यही होगा ना, क्यूबिकल है। और ये वॉल्यूम इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, जितनी मिट्टी इससे निकाली गई उतनी ही स्प्रेड की गई, ठीक है ना। तो जितना वॉल्यूम सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे जो क्यूबिकल पॉइंट पे जो मिट्टी जो बिछाया गया है, प्लेटफॉर्म जो बनाया गया है ना, उसकी हो, ठीक है ना। तो चलिए पाई आर स्क्वायर एच, अब देखो यहाँ पे एल इंटू बी तो दिया हुआ है 22 × 14 मीटर, और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है, क्या फाइंड आउट करनी है, हाइट, और ये कितना है, पाई आर स्क्वायर है क्लास, तो 22/7, आर कितनी है 7/2 × 7/2, और हाइट कितनी है 20 मीटर, 7 से 7 कट करें जल्दी, 2 × 5 कैलकुलेशन, 2 × 14 है ना, इन सबको उधर भेज देता हूं, ये जो है हाइट इक्वल टू एच इक्वल टू कितना हो गया 22 × ये 11 जा, ये 10 जा, 7 तो कैंसिल हो ही गया, 11 × 7 × 10 अपॉन कितना हो गया 22 × 14, ठीक है ना। तो देखो 11 2 जा, और ये कितना होगा 7 2 जा, 5 2 जा, और ये कितना आ गया 5/2, कितना आ जाएगा 2.5 मीटर, है ना, ये इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है क्लास, किसी कोई ऐसा बच्चा जिसको समझ में ना आया हो, नहीं ना, बहुत अच्छा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट इज द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ वेल इज, अ वेल ऑफ द डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप, फिर एक इसी तरह का वेल है, ठीक है ना, ये कहां तक इसकी जो होता है, अ वेल इज डायमीटर 3, ये 3 मीटर कितना है, डी इक्वल टू 3 मीटर, वेल डायमीटर कितना है, वेल डायमीटर इक्वल टू 3 मीटर एंड डग अप टू द 14, और इसकी जो हाइट कितनी है, h इक्वल टू 14 मीटर, ठीक है ना। तो वेल की ये हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, h इक्वल टू हो गया दैट इज द 14 मीटर, क्लियर है, एक्सेप्ट 14 मीटर द अर्थ टेकन आउट, अर्थ टेकन आउट मतलब मिट्टी, ठीक है ना, पूरी जमीन तो बाहर आएगी नहीं, है ना, अर्थ टेकन आउट आउट इट हैज बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड, इट इज द शेप इन द सर्कुलर रिंग ऑफ द विथ 4 मीटर, है ना, और इसको क्या किया गया है, सर्कुलर रिंग की तरह, है ना, बिछाया गया ऐसा सर्कुलर रिंग की तरह, है ना,
सर्कुलर इस तरह से जो होता है सर्कुलर रिंग की तरह ऐसे कर करके बिछाया गया, ठीक है। इज सेइंग दैट आफ्टर दैट फोर मीटर ऑल अराउंड इट इन द शेप ऑफ द सर्कुलर रिंग विथ 4 मीटर, और इसकी विथ कितनी है 4 मीटर है ना, 4 मीटर विथ है रिंग की, रिंग विथ कितना है 4 मीटर, ठीक है ना। रिंग विथ इज अ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बार्कमेंट, फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बार्कमेंट, है ना। देखो क्या बनाया गया, फाइंड हाइट ऑफ एम्बार्कमेंट, है ना। अब देखो इसकी जो होता है हाइट कैसे निकालोगे तो बताओ। अब देखो मिट्टी तो उतना ही यूज किया गया है ना, मिट्टी तो, अब देखो ये पूरा जो होता है यहां से निकाला गया और यहीं पे डाला गया है मिट्टी, है ना, बिल्कुल रिंग की तरह बनाया गया। तो अच्छा एक बार बताओ ये क्या हो गया, अस्फेरिकल रिंग। पहली बार यहां से यहां तक पहली डायमीटर इसकी कितनी थी 3 मीटर, है ना। अब प्लस 4 कर देंगे रेडियस में, रेडियस में प्लस 4। अच्छा इसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस इज इक्वल टू 1.5 मीटर, ठीक है ना। तो पहले तो फर्स्ट व्हाट यू विल डू, फर्स्ट वी विल फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, देखो जो इसकी ये जो सिलेंडर की वॉल्यूम होगा उतना ही ये एम्बार्कमेंट का भी वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। सर्कुलर रिंग की तरह कर किया गया है तो कोई बात नहीं, हम लोग जो होता है उतना ही मिट्टी निकाला गया जितनी इसकी हाइट होगी। तो ये देखो पहले तो हम लोग वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, ये हमने निकाल दिया। और इसको निकालने के बाद में जो होता है ना, आप क्या करेंगे, ये जो जितने भी मिट्टी आउट हुआ इसको मैं अभी लिख दे रहा हूं, आर कितना है रेडियस 1.5 का होल स्क्वायर एंड हाइट 14 मीटर, इसको अभी यही पता। अब देखो सर्कुलर रिंग का हमें, ठीक है ना, सर्कुलर रिंग का कितने तुर में मिट्टी बिछा गया, ठीक है। तो देखो पहला रिंग का वॉल्यूम कैसे होगा, रिंग का पहले एरिया निकाल लेता हूं, रिंग का पहले एरिया, एरिया ऑफ रिंग है ना इनटू अगर कर देंगे एच तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू क्या होता है, रिंग इंपैक्टमेंट है ना, क्या क्या कहलाएगा। देखो अभी तो पहले इसके फाइंड आउट कर लेते हैं उसके बाद में। तो देखो 3 cm ये जो इंपैक्टमेंट का जो कैपिटल आर होगा वो क्या हो जाएगा, 1.5 प्लस 3 कितना हो जाएगा 4.5, अरे यार 4 है ना, इट्स 4 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5.5 मीटर। चलिए यहां पे काम कर लीजिए, पाई इंटू 5.5 का होल स्क्वायर, यहां पे मैं कैपिटल ब्रैकेट ले लेता हूं लार्जर ब्रैकेट, और ये कितना हो गया 1.5, दिस वन लिसन। अब ये क्या करना है, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है कि पाई पाई है ना 5.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5
होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके पाई इंटू 1.5 का होल स्क्वायर इंटू 14 मीटर इंटू एच कर देना है इसमें, हाइट हमें मान लेना है। तो सो प्लस वी हैव द एच, पाई पाई कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहां पे क्या क्या बचा हुआ, ये है 30-25 आता है ना, 5 वाला मल्टीप्लीकेशन है ना, और ये माइनस कितना हो जाएगा 2.25 है ना, इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.25 इंटू 14, क्लियर है। अब देखो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू 2.25 इंटू 14 अपॉन कितना हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके बताओ जल्दी से, 28.0 है ना। तो देखो 14 टू जा 28 है ना, अब ये कितना आ जाएगा 2.25 अपॉन 2, ये 1 टाइम्स 0.1 टाइम्स 2 जा 4 25 जा 10, इतना मीटर इसकी क्या होगी, हाइट होगी, ठीक है ना। एम्बार्कमेंट का एक क्या कहता है, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर, राइट सर्कुलर सर्कुलर राइट सर्कुलर सिलेंडर सिलेंडर, इसकी जो होता है डायमीटर दे रखी है, डायमीटर डी इक्वल टू 12 cm एंड h इज इक्वल टू 15 cm। देखो एक सिलेंडर बना ही दे रहा हूं, वैसे सिलेंडर बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है, मेटल बहुत जरूरत होता है, ये लो ठीक है ना। इसकी डायमीटर कितनी है, डी इक्वल टू 12 cm और हाइट कितनी है 15 cm, ठीक है ना। ये अब इसमें जो होता है आइसक्रीम भरा हुआ है पूरा, है ना, पूरा आइसक्रीम सबके मुंह में पानी आया ना, फुल ऑफ आइसक्रीम कहता है, फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ द हाइट, है ना, एक जो होता है ना कोन में भरा गया, कोन वाले खा रखे हो ना आइसक्रीम ऐसे वाले, ठीक है ना। तो उसमें कहते हैं ना चम्मच ऐसे करके डालते हैं तो देर थोड़ा दबा के भरना है ना, तो ये होता है कि आइसक्रीम टू बी फिल्ड इनटू अ कोन ऑफ द हाइट 12 cm, इसकी हाइट कितनी है 12 cm, ठीक है ना, 12 cm h इज इक्वल टू और हाइट 12 cm एंड डायमीटर 6 cm और इसकी डायमीटर कितनी है 6 cm 6 cm, having a hemispherical shape on top, और टॉप पे देखते हो ना वो चम्मच से ऐसे ऐसे करके डालने के बाद में एक जो होता है ना आइस के ऊपर रखता है टॉप में ऐसे करके, है ना ऐसे, तो इसकी भी डायमीटर कितनी, अब कितना आइसक्रीम इसके ऊपर कितना रखेगा, जितनी इसकी रेडियस होगी वही हेमिस्फीयर का होगा, अगर जो ज्यादा बड़ा रख देगा तो इधर इधर से गिरने लगेगा ना, हाथ समझ रहे हो, और हाथ पे आएगा हाथ में पकड़ जाएगा खाया नहीं जाएगा, इसलिए उतना ही बड़ा वो शेप जो होता है कट करके रखता है जितनी इसकी डायमीटर होती है ना। तो इसका रेडियस और इसका रेडियस दोनों का सेम होगा, ठीक है ना। तो इसने कहता है ऐसे ये सिलेंडर में भरा हुआ, देखो ठेले पे जो रखता है ना वो नीचे सिलेंडर टाइप का बना रहता है और ये कोन जो होता है ऊपर में रखा रहता है, ठीक है ना, और आइस क्यूब डाल दे रहता है। तो कहता है कि ऐसे कितने आइसक्रीम इस सिलेंडर से इसमें फिलअप किया जा सकता है, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना इस आइसक्रीम का वॉल्यूम होगा, ठीक है ना। तो देखो पहले वॉल्यूम ऑफ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू कितना होगा,
एन इंटू है कितने नंबर ऑफ है ना, तो एन इंटू एन मतलब कि कितने आइस क्यूब भरे, सपोज कर लिया कि एन आइस क्यूब भरे जाएंगे, तो ये हो गया कितना वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, ठीक है ना, ये हेमी स्फीयर। चलो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर एच, ये कैपिटल आर से कर दूं क्या, और ये जो होता है एन इंटू कोन का कितना होता है वन अपॉन थ्री पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, और प्लस वॉल्यूम का कितना होता है टू अपॉन थ्री पाई आर, बोलो जल्दी भाई आप लोग बोलते नहीं, मुझे फॉर्मूला याद है, आपको याद है या ना, ये आप बोलोगे तब पता चलेगा साथ साथ में। देखो पाई पाई इसमें है ना, तो पहले काम आसान कर लेता हूं। अच्छा ये आर डिफरेंट है बेटा, ये ध्यान में रखना, ये यहाँ कैपिटल आर से इसीलिए रिप्रेजेंट है, ये सब छोटा छोटा, लेकिन पाई सब में कॉमन है, ठीक है ना। तो पहला काम कर लेता हूँ, ये पाई देखो कॉमन लेके काटना पड़ता, ऐसे मैंने दोनों में काट दिया है ना, पाई यहीं के पाई की कहानी यही खत्म है ना। आगे चलते हैं, आर स्क्वायर है, आर कितना है बताओ, इसकी आर कितनी है सिलेंडर की आर, सिक्स, सिक्स का स्क्वायर, और हाइट कितनी है फिफ्टीन, एन इंटू और वन अपॉन थ्री, आर स्क्वायर इसकी कितनी है थ्री, थ्री का स्क्वायर है ना, और हाइट कितनी है ट्वेल्व, और ये कितना हो जाएगा टू अपॉन थ्री, और इसकी थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, नहीं यही होगा ना, एक तीन तो कैंसिल और एक तीन से यहां कैंसिल, ठीक है ना, बच गया सिक्स इंटू फिफ्टीन इक्वल टू एन इंटू कितना बच गया, ये थ्री इंटू ट्वेल्व, थ्री इंटू ट्वेल्व प्लस ये कितना हो गया नाइन इंटू टू। चलो अब इन सबको हम इधर ले आता हूं, एन इक्वल टू सिक्स इंटू फिफ्टीन अपॉन ये कितना हो गया थर्टी सिक्स प्लस एटीन कितना हो गया चौवन, ये कितना हो गया सिक्स इंटू फिफ्टीन अपॉन फिफ्टीन फोर, यही होगा ना, तो नौ थ्री थ्री जन फाइव थ्री जन नाइन, कहीं गड़बड़ हो गया सिक्स का स्क्वायर, तो मैं भी बोलू सिक्स का स्क्वायर था ना, तो इंटू सिक्स सॉरी, चलो एक सिक्स और कर देता हूं, तभी तो मैं बोलू कि गड़बड़ कैसे हो गया, ये सिक्स हो गया थ्री थ्री जन नाइन, ये कितने भरे जाएंगे फिफ्टीन, कितने कोण भरे जाएंगे इस तरीके के, जो कोण जो भरे जाएंगे वो पंद्रह आइसक्रीम होंगे, है ना, सबको मिल गया। यहाँ पे सॉरी क्लास, यहाँ पे कितना होगा टू होगा, और यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, और ये फाइव टू जा टेन, ये टेन आइसक्रीम होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स इज सेइंग दैट क्लास हाउ मेनी सिल्वर कॉइन 1.6 cm इन अ डायमीटर, एक सिल्वर कॉइन बना दो, ठीक है ना, सिल्वर कॉइन इसकी जो होता है डायमीटर कितनी है 1.75 cm है ना, d इक्वल और हाइट है 2 mm है ना, सिल्वर कॉइन सिल्वर कॉइन की हाइट कितनी है डायमीटर कितनी है 1.75 cm और थिकनेस जो है यानी हाइट का, ठीक
प्रेस का क्या मतलब हो गया हाइट। तो हाइट कितनी है 2 mm और उसके बाद में कहता है कि मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म अ क्यूबॉइड ऑफ द डायमेंशन। इसको किसमें फॉर्म किया जा रहा है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन कितनी है क्लास 5.5 cm इंटू 10 cm इंटू 3.5 cm। देखो तो पहले बात ये स्फेरिकल है ना, डायमीटर दिया हुआ तो ये तो स्फेरिकल हो जाए, सॉरी सिलिंड्रिकल है ना, हाइट और डायमीटर दिया हुआ है तो क्या हो गया सिलिंड्रिकल है। और यहाँ पे जो होता है ये 2 mm है तो 2 mm को आप जो होता है सीएम में चेंज कर लेंगे क्या क्या हो जाएगा 0.2 cm होगा या ना। सब शक्ति निगाहों से देख रहा है 10 mm इक्वल टू क्या होता है 1 cm 10 mm मिलीमीटर इक्वल टू 1 cm है ना। तो कितना cm है 1 mm इक्वल टू 1/10 हुआ और 2 mm इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 2 0.2 cm आया ना। तो इसको cm में बदलो, अब तो कोई शक नहीं। देखो यार ये हाइट आ गया और ये सिलिंड्रिकल, चूंकि हाइट और डायमीटर दिया हुआ है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1.75/2 कितना होगा 0.82 × 16 2 × 7 = 14 और 5 × 2 = 10 ये इतना हो जाएगा। क्लियर है? तो चलो अब हम लोग कितना तो वॉल्यूम ऑफ n नंबर ऑफ पॉइंट n कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ पॉइंट भी n, तो n इंटू वॉल्यूम ऑफ पॉइंट है ना इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यहां पर लिख लो, लेट नंबर ऑफ पॉइंट इक्वल टू एन, ठीक है ना। अब कितना बनेगा वी बोल दो, तो प्लस एन इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यू 5.5 × 10 × 3.5 ऐसे ही रखेंगे। एन एन इंटू अब ये कितना है पाई, पाई ही अभी रहने देता हूं, पाई का वैल्यू क्या लेने के लिए तो नहीं कहा इसमें नहीं, ठीक है ना। देखो यार अब ये हो गया आर कितना है, रेडियस कितनी है 0.875 होल स्क्वायर और हाइट कितनी है, हाइट कितनी है 0.2 है ना, 5 × 5 5.5 × 10 × 3.5 हो जाएगा। n इक्वल टू कितना हो गया 5.5 × 10 × 3.5 अपॉन ये जो होता है पाई इंटू 0.875 × 0.875 इंटू 0.2 ये हो गया। अब इसको पाई की वैल्यू ऐसे कर दो 22 × 7 ठीक है ना। अब आप जो होता है कर लो, जो कैलकुलेशन है कट करना है फिट करना है कर लीजिए, वही नंबर ऑफ पॉइंट है, डू इट फास्ट। 2 digit के बाद है इसको हटा दो 3 digit × 3 digit ये तीनों डिजिट का हट गया थोड़ा और 1 digit यहां से भी है तो 10 1 digit यहां से हट गया। तो देखो एक तो कैंसिल हो ही गया और ये 1 digit से 1 digit हमने हटा दिया तो कैलकुलेशन इसके तो काम हो रखी है। चलो 11 5 जा और 11 2 जा
ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 5000 है ना, 35 से इसको कट करो 172 टू कहां से होगा, कट गया और ये 5000 ये हो गया प्लस। अब देखो इसको 7 से, ये 7 से भी कटेगा 1 times 7 और ये कितना हो गया 17 हो गया ना, 7 times 14 हो गया तो 3 times 7 = 25 ये इससे कट गया, ठीक है ना क्लास। और ये 7 से कट कैंसिल हो गया, अब 125 और ये 5 से कट गया 20 which is 100 ठीक है ना, 5 से। अब ये 25 से, 25 × 200 और 25 से ये हो गया और ये कितना हो गया 20 × 100 और ये हो गया 10 और कुछ बच गया नहीं बचा। अब यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 × 8 × आपका बच गया 5 × 8 × 10 कितना आ गया 400 points। देखो आंसर ये आ रहा है। 7 इज सेइंग दैट अ सिलिंड्रिकल बकेट 32 cc। अब ये देखो सिलिंड्रिकल बकेट है, ठीक है क्लास, ये सिलिंड्रिकल बकेट है, सिलिंड्रिकल बकेट 32 cm हाई और इसकी जो होता है हाइट कितनी है 32 cm। सिलिंड्रिकल बकेट हाइट कितनी है 32 cm और रेडियस कितना है, बेस रेडियस, रेडियस इक्वल टू 18 cm, इसका रेडियस दिया हुआ है आर इक्वल टू 18 cm ठीक है। कहता है इस फिल्ड विद द सैंड, उसमें पूरा सैंड भरा हुआ ठीक है। दिस बकेट इज एम्प्टीटेड ऑन द ग्राउंड, इसको जो होता है ग्राउंड पे ऐसे उलट करके हम लोग बनाते हैं ना से, वो बना दिया गया ठीक है ना। और कहता है कि एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ द सैंड इज फॉर्म, और इसको किस में बनाया गया है, उसको उसी बालू को जो भी सैंड जो है उसमें उससे उठा के एक कॉनिकल वाले में डाल दिया गया है ना, ऐसा कॉनिकल वाले में ठीक है ना, और कॉनिकल हिप बनाया है, है ना, कॉनिकल हिप बनाया है। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हिप इज 24 cm फाइंड द रेडियस, इसकी कॉनिकल हाइट कितनी है 24 cm, तो इसकी जो है हाइट वो कैसा है 24 cm हाइट ठीक है ना क्लास। तो कहते फाइंड द रेडियस एंड द स्लांट हाइट ऑफ हिप है ना, हिप का एल, हिप का क्या बनाया गया एल इक्वल टू व्हाट और आर इक्वल टू व्हाट ये निकालना। तो चलिए क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ये सिलेंडर का हो गया और 1/3 pi आर स्क्वायर एच, यहां आर ये सिलेंडर का है और ये कोन का है, ये हाइट भी सिलेंडर का है और ये कोन का है प्लस दोनों अलग अलग ठीक है। तो देखो पहला तो पाई से पाई को कैंसिल हो गया, ये देखो आर स्क्वायर कितना है, इसका रेडियस कितना होगा 18 का स्क्वायर और हाइट कितना है 13 2 और 1/3 आर हमें इसकी निकालनी है कौन सी
और हाइट कितनी है 24 cm। तो देख लेते हैं, ये जो होता है इसको देखो 18 × 18 × 32 इधर ले आओ 3 को, है ना, और अपॉन 24 = r². देखो 8 × 24 3 × 3 कैंसिल। अब देखो ये कितना हो गया, रूट अंडर 18 × 18 × 4 = r रेडियस हो गया। देखो दो में से एक बाहर आ गया 18 × और ये 4 का स्क्वायर रूट, r = कितना आ गया r = 36 cm, है ना। अब ये 36 है, अब यहां पे स्लैंट हाइट निकालना है इसकी, तो l = कितना होगा, रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 36 का होल स्क्वायर, कर दीजिए आ रहा है, ठीक है। 76 और 36 का कितना है 96 ना, ठीक है। अब ये जो होता है दोनों को ऐड करके कितना आया 18 72। अच्छा उसके बाद कितना आया 12 root 13। ये चलो देखो ये आ गया इतना सीएम आपका जो है जो भी आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट के तरफ हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ये रद्द कर दूं, सही आया ना आंसर, मैच कर दिया ना। क्वेश्चन नंबर एट इज सेइंग दैट, देखो क्या कहता है कि वाटर इन अ कैनल 6 meter wide and 1.5 meter डीप, है ना। वाटर कैनल, वाटर कैनल कितना है 6 meter wide, वाइड कितना है 6 meter एंड वन, और डीप कितना है, डीप यानी हाइट 1.5 meter डीप, इज फ्लोइंग, ये फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, फ्लो कर रहा है। अब ये कहता है कि इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, विद द स्पीड ऑफ, स्पीड ऑफ कितना 10 किलोमीटर पर आवर, ये इस स्पीड से ये फ्लो कर रहा है। हाउ मच एरिया विल इट एरिगेट इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में कितना एरिया इन 30 मिनट, है ना, कितना एरिया एरिगेट करेगा अगर हमें 8 meter स्टैंडिंग वाटर चाहिए, है ना, कितना चाहिए 8 meter स्टैंडिंग वाटर चाहिए, 8 cm एक मीटर cm है, 8 cm स्टैंडिंग वाटर चाहिए। तो देखो 8 meter, 8 cm को पहले तो मीटर में बस चेंज कर दो, है ना, 100 से डिवाइड कर दे 0.08 meter हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो सुनो, एक कैनल है, इसकी वॉल्यूम और इसकी जो ये जो स्पीड है, है ना, स्पीड क्या होता है, जितनी दूर का ये कैनल जितना फ्लो कर रहा है ना, जिस क्रॉस सेक्शन से, है ना, जो टाइम लग रहा है, यानी लेंथ जो है, ये पहले किलोमीटर में है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, है ना, किलोमीटर को या मीटर पर मिनट में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन किलोमीटर को हम लोग मीटर पर सेकंड में करने के लिए
10 इंटू क्या करते हैं 5 अपॉन 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 50 अपॉन 18 मिनट में कर दे क्या ज्यादा नहीं बनेगा। 10 इंटू 1000 अपॉन 60 यानी कि 10 से 10 ऐसे ही रहने देता हूं, कट नहीं करता हूं। 1000 इंटू अपॉन 60 ये मीटर पर मिनट हो गया क्लास, है ना, यानी एक मिनट में इतना फ्लो कर रहा है, हमें 30 मिनट के लिए चाहिए, ठीक है ना, 30 मिनट में कितना फ्लो करेगा। अच्छा एक बात बताओ, 30 मिनट में जितना ये फ्लो करेगा, जितनी ये फ्लो करेगा उतना ही तो, जैसे देखो ये कैनल है और ये हमारा फील्ड है बड़ा सा, है ना, इस फील्ड में हमें पानी डालना है, इसकी एरिया हमें निकाल एल इंटू बी कहता है कि एरिया निकालना है ना, बट हाइट कह रहा है कि 0.8 मीटर 8 मीटर चाहिए, है ना, इतना मीटर इसमें पानी चाहिए। तो देखो ये जितना 30 मिनट में देगा उतना ही पानी उसमें जाएगा, जितना 30 मिनट में ये देगा उतना ही पानी उसमें जा रहा है, उतना ही एरिया इरिगेट होगा। तो अब देखो 1 मिनट में, इन 1 मिनट कितना जाता है 1000 मीटर, ठीक है ना, 1000 पहले जो होता है ये निकाल लेता हूं वॉल्यूम, पानी गया कितना, है ना, तो वॉल्यूम ऑफ कैनल, है ना, वॉल्यूम ऑफ कैनल कितना हो गया 6 × 1.5 मीटर इंटू 1000 अपॉन 6, यानी कितना हो जाएगा 1500, इतना मीटर क्यूब उसमें पानी एक मिनट में फ्लो होगा, कितना एक मिनट में, तो 30 मिनट में कितना होगा, ये तो हमारा एक मिनट में इतना पानी फ्लो हो रहा, तो 30 मिनट में कितना हो गया, तो देखो 1500 इंटू 30 इक्वल टू एल इंटू बी 0.08, है ना, ये कर दीजिए इतना ही एरिया आ जाएगा। अब 1500 इंटू 30 अपॉन कितना हो जाएगा 0.08 इक्वल टू एल इंटू बी, इसको आप कट कर लो, देखो 2 जीरो और ऊपर करो हटा लो, इंटू 100 और ये जो होता है कट कर दीजिए 2 4 8, है ना, और ये 2 से 15 तो 225 है ना, 225 इंटू 15 सॉरी 25 इंटू ये कितना हो गया 100, इतना एरिया जो होगा वो इरिगेट करेगा, है ना, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना क्लास, तो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बच गया है, तो एक क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, ठीक है ना, तो यू विल डू योर सेल्फ लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन में ज्यादा कुछ करना नहीं है, ठीक है ना, एज इट इज है, देखना कोशिश करना, अगर होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होगा तो फिर तो बताएंगे ही बताएंगे, ठीक है ना क्लास। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।